हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम मास्टर चैनल। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एलटी ग्रेड भर्ती। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी, लोक सेवा आयोग की तरफ से एक परीक्षा आयोजित करवाई जाती है जिसके माध्यम से आप सभी बन सकते हैं राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता, टीजीटी के, है ना। तो एलटी ग्रेड में अगर हम बात करें तो लगभग 9,500 पदों पर लगभग जो अधियाचन है वो भेज दिया गया है, जिसका नोटिफिकेशन संभवतः जल्द आएगा। लेट हो रहा है क्योंकि प्रशासनिक कार्य लेट होते हैं, लेकिन अगले 3-4 महीनों का मास्टर प्लान अगर आपके पास हो। एलटी में जीएस में लोग मात खा जाते हैं क्योंकि लोग जीएस को हल्के में ले लेते हैं। आपको पता है राजकीय डिग्री कॉलेज में 120 नंबर का तो आपका विषय आता है, प्लस 30 नंबर का जीएस आता है, और जीएस में टोटल 8 सब्जेक्ट हैं। पता है 8 सब्जेक्ट का मतलब लगभग एक सब्जेक्ट से 4 प्रश्न, लगभग किसी से 3-4, ऐसे समझ लीजिए। अब इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है। सबसे बड़ी बात, लोक सेवा आयोग का पेपर है। एक मास्टर प्लान अगर आपके पास हो शुरू से कि आपको आने वाले 4 महीनों में कैसे पढ़ना है, अपने विषय को, जीएस को कैसे कवर करना है। पिछले बार जो लोग 30 में 24 24 जीएस किए थे, समझ लीजिए जीएस का पेपर काफी आसान भी था और ठीक ठाक था सब्जेक्ट के मुकाबले। अगर हम बात करें तो जीएस में आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाती है। मैं आपको पाठ्यक्रम दिखाता हूं, बहुत ही मजा आ जाएगा। इस 30 नंबर को जो लोग हल्के में ले लेते हैं वही बाहर हो जाते हैं। सोचिए आपका विषय है कितने का, 120 नंबर का, और जीएस है 30 नंबर का। क्या आप इस 30 नंबर को हल्के में ले लोगे भाई? सब्जेक्ट में आप कितना कर ले जाओगे? मान लो 80 कर ले जाओगे, 120 में 80 नंबर आपका सब्जेक्ट में हो जाएगा। मान के चलो कि इतना हो जाता है लोगों का 80 नंबर का। नहीं तो अगर अपना विषय पढ़ो, जैसे हिंदी है, अंग्रेजी, होम साइंस है, कुछ नहीं तो 80 क्वेश्चन आदमी पहुंचा देता है, भले माइनस मार्किंग हो, 75-80 नंबर आता रहता है। ठीक है, 80 से कम किसी हाल में नहीं होना चाहिए अपने विषय। 30 नंबर में 8 विषय हैं। अगर आपका स्कोर इसमें 24 हो गया ना, तो आपके 104 नंबर हो जाएंगे, मतलब आप सिलेक्शन के उस पार हो। 100+ टकाना है आपको, ये जान लीजिए, 100 के पार ले जाना है हर हाल में, 105-110। और आपकी तो कंपटीशन ज्यादा रहेगा, बीएड धारक एलटी में फॉर्म भर सकते हैं, तो कंपटीशन जो है वो पढ़ेंगे लिखेंगे, 3-4 महीने का समय है। खैर समय तो आपको पिछली बार भी मिल गया था, तो अब की जो कंपटीशन है वो टफ रहेगा। मैं यहाँ पर चर्चा करूंगा एलटी जीएस की। 30 नंबर का एक नया बैच एलटी जीएस का हम शुरू कर रहे हैं, जिस एलटी बैच में आपको ये पूरा क्रैश करेगा पूरे 8 सब्जेक्ट को। ये 8 सब्जेक्ट क्या है, नंबर यहाँ पर व्हाट्सएप पे चल रहा है, इस बैच की जानकारी। अगर आप जीएस की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ पुराने पेपर से हम शुरू करेंगे, यानी पिछला पेपर जो आया था आपके एग्जाम में वहां से हम शुरू करेंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे कि एलटी ग्रेड की भर्ती में आपको इन 8 विषय में बेहतरीन चीजें तैयार कैसे करनी है। जैसे एक प्लान बना लीजिए आपका, यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारत के इतिहास में क्या पढ़ेंगे, भारतीय इतिहास के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों की सामान्य जानकारी पर महत्व होगा। यानी अगर आपसे कहेगा कि भारत के इतिहास से हम क्या क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत लोगों को यही नहीं पता रहता कि भारत के इतिहास में लोग एंशियंट, पाषाण काल, ताम्र काल, पहिया काल, आग काल, ये सब नहीं। आपसे यहाँ पर क्या लिया है, भारतीय इतिहास के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों की सामान्य जानकारी। सामाजिक में अब आप समझ जाइए समाज, जैसे समाज की स्थापना, सैंधव समाज कैसा था, नगरीय सभ्यता थी, इसके प्रमुख जो पुरातत्व स्थल है वो कहाँ है, किस स्थल से किसके अवशेष मिले हैं, है ना, सामाजिक जीवन।
आर्थिक जीवन में सीधी सी बात है कि जो अलग अलग राजवंश रहे उनकी आर्थिक नीतियां क्या क्या रही हैं, राजनीतिक पक्षों की पहचान करना होगा, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, सेल्यूकस, निकेटर का युद्ध, ये सारी चीजें आपको इतिहास में पढ़नी होगी, जाना होगा थोड़ा सा अंदर। साथ ही साथ राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन पूछे गए, यानी स्वतंत्रता आंदोलन भी 1857 की क्रांति नहीं बल्कि स्थायी बंदोबस्त से शुरू करेंगे। जब परमानेंट सेटलमेंट हुआ लॉर्ड कार्नवालिस का, यहां से शुरू करके जितना भी आपका जमींदारी व्यवस्था है, फिर आंदोलन है, सन्यासी विद्रोह है, जनजातीय विद्रोह है, ये सारी चीजें जब आपको मैं पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि ये चीज है, ठीक है। और साथ ही साथ 1857 की क्रांति, कांग्रेस का गठन, गांधी जी के आंदोलन, सत्याग्रह, फिर जितना भी आपका जितने भी मिशन आए, फिर वायसराय जितने भी आए, जितने भी लॉर्ड हुए, है ना, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी, तब आपका भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन कवर होगा, ये समझिए इस चीज को। ये बहुत सामान्य जानकारी, 3-4 क्वेश्चन ऐसे अंदर से आएगा और आपको हवा नहीं लगेगी। फिर भारत और विश्व का भूगोल, भारत और विश्व का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, इसमें आपको क्या है, पहली बात तो भारत देश की भौतिक स्थिति की जानकारी, कितना अक्षांश, कितना देशांतर, है ना। फिर इसकी सामाजिक और आर्थिक भूगोल देखना है हमें कि कितने कृषि क्षेत्र में, कितने जलवायु प्रदेश है, उष्णकटिबंधीय है, ये सारी चीजें देखना है, ठीक है। फिर विश्व भूगोल में केवल सामान्य जानकारी अपेक्षित होगी, जैसे विश्व के महासागर, नदियां, सबसे गहरी झील, मीठे पानी की झील, गहरा बिंदु, महासागर, है ना, ये सारी चीजें आपको वैश्विक संदर्भ में ज्योग्राफी को पढ़ना है, और वैश्विक संदर्भ में आपको महाद्वीपों का अध्ययन ये सबसे ज्यादा प्रॉपर रूप से करवाया जाता है। तो अगर इसकी रणनीति बनाओगे तो हम आपको ऐसे पढ़ाएंगे। 30 में 26+ का लक्ष्य रहेगा। फिर तीसरे नंबर पर आता है आपकी क्वालिटी। क्वालिटी में क्या पढ़ना है समझिएगा, भारत की राजनीति कैसी है और इसका शासन कैसा, यानी संसद का, उच्च सदन, निम्न सदन, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इनके कार्यों की रचना हमें पढ़नी होगी। संविधान के बारे में अगर जानना है तो संविधान का, सभा का गठन, क्रिप्स मिशन, ये सारी चीजें पढ़नी होगी। फिर राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, ये नया नया टॉपिक है लोक नीति, पिछली बार भी हम लोगों ने LTGS में इसे पढ़ाया था अच्छे से, लोक नीति से क्वेश्चन भी आया था। फिर भारतीय राजनीति, शासन के अंतर्गत, संविधान, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, राजनीतिक प्रणाली, शासन के स्तर, ये सारी चीजें आपको देखनी है पॉलिटी में, तब आपको 3-4 नंबर पॉलिटी से एकदम सॉलिड हो जाएंगे। फिर देखिए यहाँ पर भारतीय इकोनॉमी और सामाजिक विकास में आपको GDP, है ना, टैक्स, सोशल डेवलपमेंट, हमारी जनसंख्या, जनसंख्या की शुरुआत कब से हुई, काउंटिंग, जनगणना के आंकड़े, फिर पंचायती राज, पंचवर्षीय योजनाएं, पर्यावरणीय नगरीकरण से संबंधित समस्या, इनसे रिलेटेड अनुच्छेद, संशोधन, आर्थिक नीति, हमारी भारतीय संस्कृति के व्यापक स्वरूप का परीक्षण किया जाएगा। फिर नेशनल और इंटरनेशनल का क्या है, करंट अफेयर है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लेवल का करंट अफेयर आपको पढ़ना है। करंट अफेयर में आपको देखेंगे कि स्पोर्ट के क्वेश्चन, घटनाएं, पुरस्कार, सरकार की योजनाएं, यही सब चीजें करंट अफेयर है, ठीक है। फिर आपका सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस और प्रारंभिक गणित हाई स्कूल लेवल की आपको अतुल सर पढ़ाएंगे। मैं आपको बता दूं कि ये आपका कक्षा 10 के लेवल तक का रहेगा, जनरल साइंस, और ये आपका हाई स्कूल स्तर तक आपका ये रहेगा। साथ ही साथ आप इसमें देखेंगे इंडियन एग्रीकल्चर भी है, भारतीय कृषि के भी क्वेश्चन रहेंगे। अब आपको अगर हमारा नया बैच लेना है LTGS का, तो सबसे पहले इस व्हाट्सएप नंबर पर नाम और जिला का नाम लिखिए। LTGS का नया बैच एकदम शुरू से टॉपिक वाइज चलेगा, और 30 नंबर की जो क्लास है इसमें आपको टोटल 5 टीचर मिलेंगे। कौन कौन मिलेंगे देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री, करंट अफेयर और एग्रीकल्चर, ये आपको मैं पढ़ाऊं, भारतीय कृषि का, करंट अफेयर समसामयिक घटनाओं का, और हिस्ट्री में पूरा जो आपका आंदोलन है, ये चीजें मैं कवर करूंगा 100 पॉइंट, यानी लगभग मान के चलिए 4 3 12 नंबर का जो पोर्शन है, 12 नंबर मैं कवर करने वाला हूँ। ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन आपका प्रियंका मैम कवर करने वाली है, 3 4 नंबर जो भी आएगा, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, क्वालिटी वाला आपका राहुल सर, मैथ साइंस आपके अतुल सर आपको कवर करने वाले हैं। तो इस तरह से आपका GS में 5 4 5 टीचर लगा करके बेहतरीन तरीके से पहले सारे टॉपिक को आपको समझाएंगे कि
किस टॉपिक में क्या है, इसकी थियरी क्या है, इससे कैसे क्वेश्चन आएंगे, फिर उसी से रिलेटेड प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और जिला का नाम लिख करके भेज देना है। 30 नंबर में 26 प्लस का लक्ष्य रखिए, बहुत कम फीस है, आराम से 1.5-2 महीना में 30 में मान के चलिए कि आप 30 नंबर का पूरा एक बार पाठ्यक्रम कवर कर लेंगे। ये मास्टर प्लान है। जब आप जीएस में ज्यादा नंबर ला दोगे तो सब्जेक्ट वाले को आप पीछे छोड़ दोगे, सब्जेक्ट वाला अपने आप आपसे पीछे हो जाएगा, है ना। जैसे सब्जेक्ट में सबके लगभग, जिसकी तैयारी अच्छी रहती है, सबका 120 में 80 से 90 के बीच में सही हो जाता है, किसी का 90 प्लस भी सब्जेक्ट सही रहता है, लेकिन जीएस में सबका बढ़िया तैयार नहीं रहता है। सब्जेक्ट में अगर वो आपके बराबर रहेगा तो जीएस में आप उसके आगे निकल जाओगे और मेरिट में आपका नाम आ जाएगा। तो सिलेक्शन के लिए रणनीति बहुत जरूरी है। अगले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एलटी की तैयारी के लिए ये 4 महीना बेहद जरूरी है। तैयारी करने का बहुत उचित समय है, बहुत प्रॉपर समय है, समय अनुकूल है। मार्च अप्रैल में एग्जाम की, वैसे भी आप लोग बोर्ड एग्जाम तैयारी करते थे, इधर पढ़ाई होती है और जो चीजें आप पढ़ते हो वो समझ में आती है। तो आपके पास गोल्डन 4 महीने हैं, मई, जून में, जुलाई में, जब चाहें ये एलटी का एग्जाम आपसे ले लें। आप बेहतरीन तरीके से एलटी के 150 में 110, 112 नंबर ला देते हो, एक सीट जीआईसी में आपको कन्फर्म है मिल जाएगी, समझ गए। तो हमारे यहाँ एलटी ग्रेड में आप देखेंगे जीएस के साथ साथ आपको हिंदी का सब्जेक्ट का बैच, बायो का सब्जेक्ट का बैच, अंग्रेजी के सब्जेक्ट का बैच और साथ ही साथ सोशल के सब्जेक्ट का बैच मिल जाएगा। तो जो लोग अंग्रेजी, हिंदी, सोशल या बायो का सब्जेक्ट का बैच भी लेना चाहते हैं तो उनको सब्जेक्ट का बैच भी मिल जाएगा, जिसकी जानकारी और फीस इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको बता दी जाएगी। अपना नाम प्लस जिला का नाम आपको लिख के भेजना है। जीएस में आपको क्या क्या पढ़ना है ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है, समझा दिया है, फैसला आपका है, क्योंकि समय बीत पुनिका पछताने का वर्षा जब कृषि सुखाने, समझ गए। तो ये समय है जीएस को अच्छे से तैयार कर लेने का। तो जुड़ जाइए और ये बैच हम शुरू करेंगे 10 जनवरी से, इसकी क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी, तब तक आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं और पुराने पेपर को सॉल्व करते हुए ये बैच आगे बढ़ेगा। तो फिलहाल शुक्रिया, थैंक यू सो मच, और भावी शिक्षक हैं आप, आगे एक सीट आपको जरूर मिले, बहुत बहुत शुक्रिया।